सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सो कुछ लोगों का बिना हैक यूज किए आईडी बैन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है मैं आपको पूरा डिटेल देने वाला हूं और आप लोग हैक यूज नहीं करते हैं फिर भी आपकी आईडी बैन हो जाती है मान लीजिए अगर आपकी आईडी बैन भी हो गई तो वो वापस आएगी कि नहीं आएगी और कैसे आएगी मैं आपको पूरा डिटेल देने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आई बैन की होती है बिना हैक यूज किए तो अगर आप बिना हैक यूज किए अगर आपकी आईडी बैन होती है तो वो सिर्फ़ दो कंडीशन से होती है मतलब आपने अगर दो गलतियाँ किया है तो आपकी आईडी बैन होना ही होना है तो पहली गलती ये है कि आपको कभी ग्लिच यूज नहीं करना है आप जैसे ग्लिच करा देते हो ना मतलब आटो कैन छुपा देते हो वो कोई भी बंदा सामने आता है गोली मार देता है लेकिन ऑटो कान दिखता नहीं है तो आपको ऐसा जो भी और भी जो भी ग्लिच हैं आपको कभी ग्लिच यूज नहीं करना है और दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि आप लोग हैकर के साथ बिल्कुल मत के लिए क्योंकि अभी एक भाई हमारे पास कांटेक्ट किए थे मतलब उन्होंने सब बताया कि भाई मैं हैक वैक नहीं किया फिर भी आईडी बैन होगा फिर मैंने लियोस को मेल किया तो वहाँ पर उन्होंने मुझे प्रूफ मांगा कि भाई आप प्रूफ दो कि आपकी आईडी बैन हुई है क्या हुई तो फिर मैंने प्रूफ दिया उसका स्क्रीनशॉट मार मार के दिखाया लिया उस मतलब मेल में सब भेजा तो फिर उन्होंने बताया कि इस आईडी में क्या क्या गलतियां हुई हैं तो आईडी बैन हुआ तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा मतलब तो आपको लास्ट में दिखा दूंगा मैंने वहाँ पर जो भी मेल किया था और उसका सल्यूशन क्या है वो भी उसका आंसर आया तो मैं आपको आगे दिखाऊँगा ठीक है तो आपको कभी हैकर के साथ टीम अप नहीं करना है मतलब आपको फ्रेंड लिस्ट में जोड़ने की बात छोड़िए आप अगर मैप में है मतलब जैसे सर्वर में है अगर आप वहाँ पर टीम अप कर लिए मतलब आप अपने टीम में ले लिए तो भी आपकी आईडी बैन होगी और वो तुरंत बैन नहीं होगी मतलब जैसे आज आपने हैकर के साथ खेला तो हैकर की आईडी जिस दिन बैन होगी उसी दिन उसकी बैन होने के साथ साथ फिर वो लियोस वाले ये चेक करते हैं कि इस हैकर ने किसके मतलब कितने लोगों के साथ खेला तो जितने लोगों के साथ खेला होगा तो उसका भी बैन करा देते हैं ठीक है उसका शायद कुछ लिमिट टाइम रहा होगा कि मतलब जैसे मान लीजिए कोई अगर नहीं पता है तो वो खेली हैकर के साथ दो चार मिनट तो ऐसा नहीं होगा मतलब हैकर के साथ अगर आप जान गए हैं कि ये हैकर है तो भैया आप तुरंत उसे अपने टीम से हटा दीजिए नहीं तो आपकी आईडी जाएगी और अगर आपको नहीं पता है तो आप दो चार मिनट खेल लेंगे तो वैसे भी अगर कोई भी हैकर के साथ खेलता है तो भाई उसे पता ही हो जाता है कि ये हैकर है कि ये क्या है ठीक है तो आप कभी हैकर के साथ मत खेलिए और ना ही ग्लिच यूज लिए और चलिए मैं आपको आप दिखा देता हूँ कि जो उन्होंने मेल किया था मतलब मैंने जो भी मेल किया था और उनका जो भी रिप्लाई आया मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ तो मैं अपना जीमेल ओपन करके दिखाता हूँ ठीक है और आपको भी अगर अनबैन कराना है अपनी आईडी को दिखाना है कि वहाँ पे कि मेरी आईडी में क्या प्रॉब्लम है तो आपको कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी उनका रिप्लाई आया है तो मैं वो दिखा देता हूँ पहले तो एक मिनट यहाँ पे ठीक है ये है लास्ट डे रोल सर्वाइवल तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में क्या भेजा था तो ये है सबसे स्टार्टिंग वाला तो एक मिनट इनका रिप्लाई तो रिप्लाई ही है ठीक है तो जब मैंने सबसे पहले रिप्लाई मतलब उनको मिल किया था तो उसमें उन्होंने ये रिप्लाई दिया कि भाई लॉग इन इरर स्क्रीन दो फिर तो उसके बाद इन गेम नेम एंड रोल आई मतलब दूसरा मतलब गेम का नाम और रोल आई ये दोनों देना है तीसरा है ट्रांजैक्शन रेसिपी तो ये तीनों चीज़ों को आपको मेल करना है इन तीनों को मेल करने के बाद फिर मुझे जो रिप्लाई आया वो है ये मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट किधर गया हाँ ये है ठीक है तो इसमें हमारा मेल आया उनका उनका रिप्लाई आया कि थैंक यू फॉर द मेल और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस अकाउंट इज़ बैनड बिकॉज आप यूजिंग हैकिंग टूल्स मतलब जो ये आईडी मैन हुआ है इस आईडी से हैकिंग को हैकिंग टूल यूज किया था मतलब कुछ जो मतलब होते नहीं कि स्मूथ गेम चलेगा ये वो तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है आपको सीधा गेम खेलना है और जो भी गेम चलेगा तो आपको डिवाइस के ऊपर ही चलेगा ठीक है मान लीजिए आपके अगर दो जी है तो अगर आप उसे लगा करके मतलब बूस्टर बूस्टर लगा करके उसे चार जी थोड़ी ना बनेगा मतलब स्मूथ थोड़ी ना चलेगा वो जैसा रहेगा वैसे ही चलेगा तो उसके बाद फिर है अब यूजिंग बग एंड टीम अप टीम अप नहीं टीमिंग अप विद द बुलेट वोलाट, बुलाटेड प्लेयर मतलब जो हैकर है, उसके साथ टीम अप हुआ है और बग को यूज किया गया है मतलब इन तीनों कंडीशन मतलब चारों कंडीशन जो भी हैं तो इनमें से कोई एक कंडीशन इस आईडी में यूज हुआ है तो या 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 आपका आईडी बैन हुआ है ठीक है अगर आप प्लेयर के साथ मतलब हैकर के साथ खेल रहे हैं तो आपकी आईडी चेकिंग में तो फिर चली जाएगी तो वहाँ से बैन हुआ और ना ही आपको हैकिंग टूल यूज़ करना है और ना ही आपको बाइ यूज करना है ठीक है तो इन तीनों चीज़ों में से आपको किसी भी चीज़ को यूज नहीं करना है अगर आप अपनी भी आई चेक कराना चाहते हैं मतलब भेजना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला स्क्रीन निकाल लेना है जो आपका आ, जो सब सबसे स्टार्टिंग में आता नहीं है मतलब सस्पेंडेड ऐसा जो आता है उसका स्क्रीन शॉट निकालना है फिर उसके नीचे आपको अपना आ, गेम का आईडी और नाम दोनों डाल देना है फिर उसके नीचे लिख देना है जो भी आपका कारण है थोड़ा बहुत बहुत बड़ा मत मतलब थोड़ा सा लिखिए ठीक है फिर यहाँ पे रिप्लाई आया मेरे पास एक ये एक मतलब ये लिंक ही है ठीक है तो मैं इस लिंक पे क्लिक करके मैं इसे भी चेक कर लेता हूँ मैंने चेक किया तो मुझे वहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आया तो अगर इस आईडी से कुछ होता है तो मैं आपको आगे बताऊँगा मान लीजिए मान लीजिए इस आईडी से कहीं अगर अनबैन होने का कोई चांस बनता है तो मैं इसे अलग वीडियो में दिखा दूँगा ठीक है तो बस यही था रिप्लाई और आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो मैंने आपको पहले बताया तो ठीक है मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बाय बाय